हो, सारी चीजें अच्छी है, कोई मना नहीं है, लेकिन मिल क्या रहा है कौम को? पिछले 25-30 साल से आपका मेंबर दुनिया का सबसे बड़ा मेंबर है, कराची का सबसे बड़ा मेंबर है। 25-30 साल से कौम को सुलाने का कैप्सूल दिया गया है। सो जाओ, कोई आकर बात करे तो बोलो आजादारी का दुश्मन है ये। ये एक जुमला रटवा दिया जबान के ऊपर कि जो इसलाह की बात करे उसे कहो ये आजादारी का दुश्मन है। और सब हो गए, क्योंकि आसानी है ना दीन में। वो दीन जिसमें ना नमाज पढ़नी है, ना खुम्स देना है, ना रोजा रखना है, कुछ नहीं करना, बस आना घूमना, वाह वाह वाह, मुंह में ये रखी हुई, किसी ने पान परग रखा हुआ, किसी ने क्या गुटखा खाया हुआ, बस ये किया, रबड़ी की नियाज कहाँ है, फलाना शोएक कहां से मिलेगा, ये मिलेगा, बस घर चले जाओ, इससे अच्छा दीन कोई है ही नहीं दुनिया के अंदर। भाई है ही नहीं ना, कोई जिम्मेदारी नहीं है यार। भाई कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना स्कूल सिस्टम बनाने हैं, ना कम्युनिटी सेंटर बनाने हैं, ना यूनिवर्सिटी बनानी है। कोई यूनिवर्सिटी बनाई हमने आज तक? पूरे कराची में हमने यूनिवर्सिटी बनाकर अपने मुल्क को दी। सुन्नी शिया की बात नहीं है अजीजाने मोहतरम, सुन्नी उन आगा खानियों को देखें, कम से कम एक हॉस्पिटल बनाया हुआ है जिसमें दुनिया का इलाज तो हो रहा है। इतना हमने क्या किया मुझे आप बताएं? कोई ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कि ये बच्चे तैयार होकर, ला तफर्रका बैन सुन्नी व शिया, कोई सुन्नी शिया का फर्क नहीं, एक पाकिस्तानी अच्छा पैदा हो, क्या है हमारे पास सिवाय चंद स्कूलों के? वो भी बस उसमें भी कोई इतना बड़ा काम नहीं है, उसके लिए भी हमें लोग फोन कर रहे होते हैं, मौलाना साहब कोई जानने वाला स्कूल में है तो बच्चे का दाखिला करवा दीजिए। क्या है हमारे पास मुझे आप बताएं? दर्द नहीं है? अगर हमने कुछ छोटी मोटी चीजें बनाई भी है तो उनकी हालत ऐसी है कि लोग बोलेंगे। यही तो वजह है कि हमें धकेला जा रहा है कौम के अंदर। जब आप माशरे में अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तो आपके साथ यही होगा ना, असीर भी हम शहीद भी हम, यही होगा। तो आप अपना किरदार पेश करें जाने मोहतरम, इंस्टीट्यूशन में अपना किरदार पेश करें। ये कौम को ऊपर आना चाहिए था। ये वो वाहिद कौम है कि जिसके यहां तौहीद सबसे मजबूत तौहीद है। ये वो कौम है कि जिसका वारिस जिंदा है, मगर हम यहां के बजाय यहां अब